अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताना था, सबसे पहले छाँव में हो जाऊँ क्योंकि धूप में इस टाइम काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई हुई है, काफ़ी गर्मी लगती है, वेदर काफ़ी हद तक चेंज हो गया हुआ है। पहले आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताना है कि यहाँ से आप लोग अपनी डिग्री ट्रांसफ़र कर सकते हैं और यहाँ से आप किसी यूरोपियन कंट्री में भी जा सकते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड जो इस टाइम इटली बैठे हुए हैं और शायद मेरी वीडियो देख रहे हो, शायद उनका कमेंट भी आए नीचे, तो उन्होंने सारा यहाँ से प्रोसेस किया अपना साइप्रस में पहुँचने के बाद। उसमें उनको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स हुई। सबसे पहले जो मैं आपको बताता चाहूँ कि उन्होंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बाद वहाँ की ऑनलाइन फीसिस वगैरह दी, जो भी फीसिस प्रोसेस होता है, जो यूनिवर्सिटीज़ का होता है, सभी का यूनिवर्सिटी का प्रोसेस होता है, वो उन्होंने प्रोसेस कंप्लीट किया। उसके बाद उन्होंने जब बेसिक यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना एडमिशन्स, वो तो इजीली मिल जाते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप लें एडमिशन, वो तो आप लोगों को इजीली मिल जाएंगे। मसला आता है सबसे बड़ा, वो आता है आइल्स और वीज़े का। बेसिकली दो चीज़ें होती हैं जो मिलना इम्पॉसिबल होता है, और समटाइम मिल भी जाता है लेकिन वो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन साइप्रस, अगर आप लोगों ने इटली या किसी कंट्री में जाना है, तो आई थिंक सो कि मुझे उन भाई के बाद इरफान भाई, वो काफ़ी ज़्यादा मेरी वीडियोस में भी आए हैं इरफान भाई, तो उम्मीद करता शायद वो भी मेरी वीडियो अगर देख रहे हैं, तो नीचे कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा। आई मिस यू रियली मच, बहुत अच्छा टाइम आपके साथ इरफान भाई गुजरा। खैर क्या हुआ, उन्होंने यहाँ से अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद जब अम्बेसी गए, वहाँ पे नो आइल्स, आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ से आगे जाने के लिए भी आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन बैचलर्स में टफ़ होता है। मैं आप लोगों को बताता चाहूँ, बैचलर्स में टफ़ होता है, मास्टर्स और पीएचडी में आपको इजीली आप आगे मूव कर सकते हो। बेसिक जो चीज़ आती है वो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, बेसिक जो चीज़ क्या रिक्वायर्ड होती है। वो शायद आप लोग कहो कि पाकिस्तान से भी हम जा सकते हैं अगर हमारे पास ये इतनी हो, हैवी हो, तो ऐसा नहीं है, यहाँ से ज़्यादा ईजी होता है। आपके पास कम अज़ कम पाकिस्तानी करेंसी में, मैं आप लोगों को बताता चाहूँ, पाकिस्तानी करेंसी में कम अज़ कम आपके पास 20 से 22 लाख की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। यहाँ के मुताबिक बताता चाहूँ तो 2000 यूरो, 2200 की एक साल की या मिनिमम 6 मंथ की आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आपके पास हाथ थक गया यार, एक तो ये आईफोन 13 मैक्स प्रो इतना वजनी है कि हाथ थका देता है। खैर, आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट है वो इतनी होनी चाहिए, 2000 यूरो, 3000 यूरो भी हो तो चल जाएगी, लेकिन ये याद रखें बोलो 2000 यूरो है, 2500 या जितना भी आपने, 2000 से ज़्यादा होने चाहिए। वो आपने अपने यहाँ पे साइप्रस के बैंक अकाउंट में, साइप्रस के बैंक अकाउंट में आपने रखनी है और शो करवानी है, और 4-5 महीने वो आप यूज़ भी नहीं कर सकते। और उसके बाद क्या करना है, एम्बेसी में आप लोग जाएंगे और वहाँ पे वो आपका डिटेल्स वगैरह चेक करेंगे। यहाँ पे इटली की एम्बेसी है, बेसिकली यहाँ पे नहीं है, है वो साउथ साइड पे, लेकिन वो यहाँ पे आके इंटरव्यूज वगैरह कलेक्ट करते हैं। तो इन शॉर्ट के यहाँ से आप लोग आगे मूव कर सकते हैं। उसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया, फिर बताता जाऊँ शॉर्ट सा। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, लेटर वगैरह वहाँ से आएगा, वहाँ से लेटर वगैरह लेके आपने यहाँ पे इनकी एम्बेसी में अप्लाई करना है। एम्बेसी में अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपनी बैंक स्टेटमेंट वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पासपोर्ट वगैरह जो होते हैं, यूनिवर्सिटी से ट्रांसक्रिप्ट लेटर वगैरह, ये सारे सब कुछ निकाल के आपने एम्बेसी में ले जाना है। वहाँ पे आपका वो कोई आइल्स वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है, वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, बैंक स्टेटमेंट आपकी सॉलिड होगी, अच्छी होगी, तो आपको वीज़ा इजीली मिल जाएगा और आप इटली चले जाएंगे। सो मैं भी इंशाल्लाह ट्राई करूँगा, इरफान भाई हैं, उन्हें भी बोलूँगा कि मेरा वहाँ पे सब कुछ करें, अप्लाई वगैरह करें। तो
बाकी जो अल्लाह पाक को मंजूर। लेकिन बेस्ट यही है कि आप मास्टर्स अगर कर रहे हैं यहाँ पे आते ही एक सेमेस्टर करने के बाद आप फ़ौरन अप्लाई करें। अगर आप एक सेमेस्टर के बाद फ़ौरन अप्लाई नहीं कर रहे तो कोशिश करें फिर यहाँ पे मास्टर कंप्लीट करके आगे पीएससी के लिए अप्लाई करें तो आपका हो जाएगा इजीली। बिलाल भाई को ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में मिलेंगे। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आके मुझे फॉलो करें और ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।